हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन और इस वीडियो में अपन वेपर डेंसिटी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे प्लस एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत बार इस टॉपिक से रिलेटेड यूज हो सकती है सो so, जैसे वेपर डेंसिटी इस नाम से अपने को क्लियर है कि ये वाला जो भी टॉपिक है जो भी टर्म है ये सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है सो so, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए ही डिफाइन किया जाता है और राइट अब अपन देखते हैं कि वेपर डेंसिटी डेफिनेशन देफ, क्या है तो डेफिनेशन में बोला है कि डेंसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर सो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ से अपने को पता लग गया जो डेफिनेशन है उसमें क्लियर है कि डेंसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू तो हाइड्रोजन यानी कि डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ये अपने पास इसका एक एक्सप्रेशन आ गया है इसकी डेफिनेशन से अपने पास एक एक्सप्रेशन आ गया है लेकिन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर सो ये जो एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं ये जब अपन कैलकुलेट करेंगे वेपर डेंसिटी दैट इज डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस ये सेम टेम्परेचर प्रेशर पर होनी चाहिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब जो गैस की अपन बात कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस या हाइड्रोजन गैस या कोई भी गैस उसकी अगर वेपर डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो उसकी वेपर डेंसिटी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में डिफाइन होगी और अपनी गिवन गैस और हाइड्रोजन गैस सेम टेम्परेचर प्रेशर पे होनी चाहिए दिस इज द कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जांपल अपने पास दो कंटेनर हैं कंटेनर वन जो है उसमें कोई एक गैस है लेट्स सपोज वो ऑक्सीजन गैस है और जो कंटेनर टू है इसमें एक हाइड्रोजन गैस है और सो यहाँ पर कंटेनर वन का टेम्परेचर टी है प्रेशर पी है कंटेनर टू का भी टेम्परेचर टी है और प्रेशर पी यानी दोनों सेम टेम्परेचर प्रेशर पे अब अपन ऑक्सीजन की डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन की डेंसिटी से दोनों का सेम टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए सो so गाइज ये तो अपना फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन हो गया अब इसका अपन मैथेमेटिकल डेरीवेशन करते हैं कि वेपर डेंसिटी का मैथेमेटिकल फॉर्मूला क्या है सो so, उसके लिए क्या किया जाएगा उसके लिए गैसेस के लिए अपने को पता है एक फॉर्मुला वैलिड होता है उसको अपन जनरल गैस इक्वेशन बोलते हैं दैट इज फ्यू वी इक्व टू एन आर टी दिस इज नॉन एज जनरल गैस इक्वेशन और राइट पी प्रेशर वी वॉल्यूम एन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे अपन गैस की बात कर रहे हैं तो दिस विल बी क्वांटिटी ऑफ गैस और पर्टिकुलरली एन मोल्स में क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है ऑलराइट स्मॉल एन इज मोल्स आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर सो इस इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं अपने को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स को लिखा जाता है मास यानी कि वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास तो मैं कैपिटल एम से मोलिकुलर मास को एक्सप्रेस कर रहा हूँ राइट सो दिस इज आवर मोलिकुलर मास इसका शॉर्ट में अपन इसको लिखेंगे स्मॉल एम दैट इज मास डिवाइडेड बाई कैपिटल एम दैट इज मोलिकुलर मास ऑल राइट सो नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं लिख सकता हूँ मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास आर एंड टी ऑल राइट ये जो मास होगा वो किसका होगा गैस का मास उसी गैस का मोलिकुलर मास अब इस फॉर्मूले को अपन रीअरेंज करते हैं उसके लिए जो मोलिकुलर मास है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ और वॉल्यूम को अपन राइट हैंड साइड लेके आते हैं सो इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है राइट right? अब अपन देख पा रहे हैं कि जो मास है वो वॉल्यूम के नीचे आ रहा है दैट इज़ मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम याद करिए जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑल राइट सो एम बाई वी यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो डेंसिटी का है इसलिए मैं एम बाई वी को डेंसिटी से रिप्लेस कर सकता हूँ ऑल राइट सो यहाँ पे डेंसिटी के uh, टर्म्स में अगर एक्सप्रेस किया जाए तो ये फॉर्मूला होगा पी एम डिवाइडेड बाई आर टी इस फॉर्मूले को अपन याद भी रख सकते हैं ये फॉर्मूला क्या बताता है ये किसी भी गैस की डेंसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गैस की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाए प्रेशर को मल्टीप्लाई किया जाए उस गैस के मोलिकुलर मास से डिवाइड किया जाए आर एंड डिवाइड किया जाए टेम्परेचर से डेंसिटी ऑफ गैस है और राइट right? अब अपन याद करते हैं कि अपना जो वेपर डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या था उसका फॉर्मूला था डेंसिटी ऑफ गैस जो भी गैस की अपन बात कर रहे हैं डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस तो इसको अपन आ, एक, एक आगे फॉरवर्ड करते हैं तो वेपर डेंसिटी डेंसिटी ऑफ गैस तो इस गैस की डेंसिटी के लिए क्या लिखेंगे पी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय आर एंड टी अभी लेट्स सपोज अपने को गैस के बारे में नहीं पता है और राइट डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस तो हाइड्रोजन गैस के लिए भी डेंसिटी का सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो P अब हाइड्रोजन गैस का मास अपने को पता है कितना होता है टू डिवाइडेड बाई आर एंड टी देखिए मैंने दोनों जगह प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखा है वो इसलिए क्योंकि अपने फॉमूले में कंडीशन थी कि वो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे होनी चाहिए दोनों गैसेस अब देखिए इस फॉर्मूले में प्रेशर कैंसिल आउट तो हो जाएगा टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये फॉर्मूला कैसे रिड्यूस हो जाएगा एम डिवाइडेड बाई टू अब यही फॉर्मूला है जो अपने काम का है वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलिकुलर मास ऑफ गैस एंड डिवाइडेड बाई टू अब ये ध्यान से देखिए कि ये जो टू है ये कहाँ से आया था ये असल में मोलिकुलर मास था किसका? हाइड्रोजन गैस का सो so, अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला आ चुका है जब भी आ, किसी भी गैस की अगर वेपर डेंसिटी पूछी जाए तो उस गैस के मोलिकुलर मास को टू से डिवाइड कर दिया जाए और राइट right. जैसे किसी ने पूछा कि वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस कैलकुलेट करिए तो ऑक्सीजन का मोरिकुलर मास कितना होता है थर्टी टू और उसको टू से डिवाइड कर दिया जाए तो इसकी वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी सिक्सटीन और राइट अब किसी ने पूछा कि नाइट्रोजन गैस की वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करिए तो नाइट्रोजन गैस का मोरिकुलर मास कितना होता है ट्वेंटी एट और इसको डिवाइड कर दिया जाए किससे से टू से तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर्टीन दैट इज वेपर डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन सो वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए किसी भी गैस के मोलिकुलर मास को टू से डिवाइड कर दिया जाए और अपने पास वेपर डेंसिटी का आंसर आ जाएगा ऑल राइट सो इस तरीके से अपन ने वेपर डेंसिटी को डिराइव कर लिया और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मुला अपने को यहां पर पता लग रहा है वेपर डेंसिटी का अब अपन ये फॉर्मुला भी याद रख सकते हैं वेपर डेंसिटी इजकूक्स टू मोरिकुलर मास डिवाइडेड बाई टू अब ये याद रखिए जो टू है ये मोलिकुलर मास है किसका हाइड्रोजन गैस का सो so, यहाँ पे जो वेपर डेंसिटी है वो हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में डिफाइन की गई है इसलिए यहाँ पे टू आया है अगर आपको किसी ने बोला कि वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करिए लेकिन वो ऑक्सीजन गैस के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए तो ये जो टू मोरिकुलर मास था वो हाइड्रोजन का था अब अपने को ऑक्सीजन गैस के रेस्पेक्ट में दूसरी गैसेज की वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है थर्टी तो अपना फॉमूला चेंज हो के हो जाएगा थर्टी ऑलराइट right? लेकिन स्टैंडर्ड होता है हाइड्रोजन जब कभी मेंशन नहीं हो तो हमेशा हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में ही वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है ऑल राइट सो गाइज ये अगर फॉर्मूला अपन याद रखते हैं तो सारे क्वेश्चन आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व uh, क्वेश्चंस को देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा जहाँ पे मैंने वेपर डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करके दिखाया है सो गैस दिस इज़ इट इन दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो